तो चलिए दोस्तों हम कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधी लाइन खींचिएगा, इसके बाद एक और लाइन खींचिएगा डोढ़ या डेढ़ या दो इंच पे, जो मोरी को मोड़ने के लिए। अब लंबाई, लंबाई है इसकी 41 इंच। इकतालीस इंच में एक इंच हम माइनस करेंगे, जो इधर बेल्ट लगता है तो बेल्ट में कवर हो जाएगा। अब हाई, हाई है इसकी 22.5 इंच, तो 22.5 का आधा करेंगे हम। साढ़े बाईस का आधा 11.25, 11.25 में से 3 इंच हम कम करेंगे, 1, 2, 3, तो 8.25 आता है। तो 8.25 हम इस निशान से यहाँ पे 8.25 पे एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद घुटना, घुटना है दोस्तों हमारा, घुटना के निशान करने के लिए 41 इंच लंबाई है, तो इसका आधा करेंगे 20.5। 20.5 में हम आधा इंच प्लस करेंगे, जो इधर मार्जिन में जाता है ना वो, तो 21 इंच। तो 21 इंच पे हमारा घुटने का निशान आएगा, और बिल्कुल ये निशान जो किए वही के वही सामने कर देते। 21 इंच, 1 इंच माइनस और 8.25। इसके बाद सीधी लाइन खींचिएगा, इसके बाद यह किनारी से करीब 1.25 इंच छोड़ दीजिएगा, और थाई है इसकी 21 इंच, तो 21 का आधा करेंगे हम 10.5। 10.5 पे मार्किंग करेंगे, 10.5 का आधा 5.25, 5.25 पे मार्किंग करेंगे। बिल्कुल अब इस सभी लाइन का बीच सेंट्रल करेंगे, तो यहाँ से यह किनारी का जो नाप आता है वो हम ले लेते हैं, करीब 6.5 आता है, तो 6.5 इधर भी लगाएंगे, यहाँ पे भी 6.5 लगाएंगे, और सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये जो हमारे पेंट का बीच सेंट्रल है, अब दोस्तों घुटना है हमारा 15 इंच, तो 15 का आधा 7.5, तो 7.5 का आधा 4.25, तो 4.25 इस तरफ और 4.25 इस तरफ, कुल मिला के 7.5। अब मोरी, मोरी है हमारी 12 इंच, तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ। अब 1.5 इंच थाई से कम करेंगे, ये जो हमारा चैनल की फैलाई के लिए। अब यहाँ से यहाँ बीच का जो सेंड नाप आता है कितना आता है, तो 4.25, तो 4.25 में आधा इंच कम करेंगे इधर 3.25। अब कमर, कमर है इसकी 30 इंच, तो आधा इंच इस पे मार्जिन का छोड़ के 30 का 4 में डिवाइड करेंगे, तो 30 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 7.5 प्लस आधा इंच मार्जिन, तो ये हमारा कमर का नाप हो गया। चलिए हम ड्राइंग कर लेते हैं।
यहाँ पे सेब फंटी से यहाँ से करीब 1.25 इंच पे निशान लगाइए चेन फिटिंग के लिए और 1/2 इंच इधर से कम कीजिए ताकि पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी तरह से आती। 1.25 का पॉकेट लगाएंगे, 7 इंच नीचा रखेंगे, 2 इंच। तो दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसे हम काट लेते हैं। सॉरी दोस्तों, एक लाइन खींचना बाकी रह गया, ये जो हमने डाउन किया था। तो अब रेडी हो चुका है फ्रंट पार्ट, चलिए हम काट लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया कटिंग हुआ है। और अगर आप ऐसा ही कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो भेजते रहेंगे और हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर ना भूलें। ये जो निशान लगे हैं वहाँ पे कुटका करना ज़रूर, ताकि याद रहे यहाँ यहाँ पे हमारा निशान है। तो चलिए दोस्तों फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है, बैक पार्ट काटते हैं। फ्रंट पार्ट को सही बिठाने के लिए ये जो सीधी लाइन है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बराबर कर ले। यह 14.25 है तो यहाँ से भी 14.25 ही होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यह करीब 1.25 इंच, करीब 1.5 इंच ऊपर छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सीधी लाइन खींचिएगा इस निशान के सेंटर में, इसके बाद 1/2 इंच नीचे यहाँ से लाइन खींचिएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। यहाँ पे 1.25 और यहाँ पे 1.5 इंच।
सीधी लाइन खींच लेते। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कटिंग आ रहा है। अगर दोस्तों आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे 1/4 इंच बाहर निकालिए कपड़ा। अब 1/4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी 1/4 इंच में मार्किंग करेंगे। सवा इंच डार्ट के लिए, 7.5 इंच कमर और 1/2 इंच मार्जिन के लिए और 2.5 इंच पीछे का मोड़ने के लिए। अब दोस्तों हिप है हमारी 34 इंच, तो पहले फ्रंट पार्ट पे ये दोनों दो साइड की मार्जिन निकल के बीच का जो बचता है वो कितना है, 8 इंच। तो 8 इंच बचता है तो 34 का आधा करेंगे हम 17 इंच। 34 हिप है तो इसमें प्लस 1 इंच करेंगे लूजिंग, तो 35 का आधा करेंगे 17.5, तो 17.5। अब 8 इंच ये, तो 8 इंच पे हम ऐसे पकड़ेंगे और 17.5 पे, और इधर मार्जिन का छोड़ के यहाँ से यहाँ ऐसे ये हमारा हिप का नाप परफेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब दोस्तों ये मार्किंग करने के बाद ऐसे से फंटी होती आती है, बाज़ार में मिलती है, अगर ये ना हो तो भी चलेगा, ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे परफेक्ट शेप बहुत अच्छा आता है। तो हम इस तो दोस्तों अब हमारा पेंट का सभी मार्किंग सही हो चुका है, बैक पार्ट भी हमारा बहुत अच्छी तरह से मार्किंग हो चुका है, तो चलिए अब हम उसे काट लेते हैं। तो दोस्तों अब यह हमारी पेंट कटिंग हो चुकी है। अगर आपको हमारी कटिंग अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भी ऐसे कटिंग सीखना चाहते हो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि